जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई। मुस्तफ़ा कमाल का जवाब क्या था जब सुल्तान ने हुक्म दिया मुस्तफ़ा कमाल को कि तुम एनाटोलिया से वापस आ जाओ इस्तंबोल, तो आगे से मुस्तफ़ा कमाल ने क्या रिप्लाई किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका बड़ा आसान सा जवाब हम लिखेंगे जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि मुस्तफ़ा कमाल कहता है कि आपको भी यहाँ पर आना चाहिए और जो ग्रीक्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो आकर जो है वो लीड करें, और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं तो इधर ही रहूँगा जब तक कि तुर्की जो है वो अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर लेता। इन अ लॉन्ग पर्सनल टेलीग्राम टू द सुल्तान कमर He urged him to come over. To Anatolia to lead his people against the foreign forces. He also warned Mehmet that it was his last chance to save himself comma the throne and the Turkish nation. Achha ji. In a long personal telegram to the Sultan, he urged him to come over to Anatolia to lead his people against the foreign forces. तो उसने कहा कि आओ और तुम भी ये जो बैरूनी ताकतें हैं इनके खिलाफ लीड करो, हमारे साथ हमें लीड करो। He also warned Mehmet, और उसने ये भी खबरदार किया कि that it was his last chance to save, कि अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो ये उसके पास आखिरी मौका है कि आए, और वो ना सिर्फ अपने आप को बचा लेगा बल्कि अपने तख्त को, अपनी बादशाहत को भी बचा लेगा, एंड द टर्किश नेशन और तुर्क कौम जो है उसको भी बचा लेगा, तो उसे यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन बादशाह ने जो है वो उसकी बात नहीं मानी। तो फिर देख लें, आगे आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया, आपको पता होगा क्या हुआ बादशाह के साथ। अच्छा जी, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड मेहमत ट्राई टू रीगेन एनाटोलिया फॉर हिमसेल्फ। तो जो बादशाह था मेहमत, उसने वो एनाटोलिया को जो है वो दोबारा कब्ज़े में हासिल करने के लिए क्या तरकीब लड़ाई। तो हमने ये भी पढ़ा है कि उसने जो है वो झांसा दिया तमाम जो पैट्रियट लीडर से कि आप आ जाओ इस्तंबुल, मैं यहाँ पे एक नेशनल गवर्नमेंट बना देता हूँ, आप यहाँ पे आकर जो है वो बगावत को जो है वो जारी रखो मेरी सरपरस्ती के अंदर। तो वो सवाए मुस्तफ़ा कमाल के बहुत सारे लोग जो हैं वो उस बादशाह के झांसे में आ गए और वो इस्तंबुल चले गए और वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया। तो ये तरकीब थी कि इस तरह बगावत जो है वो एनाटोलिया के अंदर ख़त्म की जा सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जो है वो वहाँ पर मौजूद था तो लिहाजा उसने अपनी बगावत जारी रखी और लोग उसके साथ मिलते रहे और वो जीत गया। तो बादशाह का ये प्लान जो है वो एक्चुअली फेल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका हम आंसर लिखेंगे। ही सेड दैट ही वॉज willing to call a government pleasing to the nationalists the delegates in Anatolia should shift their activities
the delegates in Anatolia should shift their activities to Istanbul and put Mustafa Kamal's ideas in practice. तो बादशाह ने कहा दैट ही वॉज विलिंग टू कॉल, यहाँ पे ऐसा कर लेते टू कॉल फॉर कर लेते क्योंकि ये इसके साथ ना प्रपोजिशन आती है. ही सेड दैट ही वॉज विलिंग टू कॉल फॉर ए गवर्नमेंट प्लीजिंग टू द नेशनलिस्ट. तो बादशाह ने कहा कि मैं एक ऐसी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूँ जो मुहिब्बुल वतनी से सरचार जो लोग हैं, जो हुब्बुल वतनी रखने वाले लोग हैं, जो पेट्रियट्स हैं, जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहला रहे हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी. द डेलीगेट्स इन एनाटोलिया शुड शिफ्ट देयर एक्टिविटीज़ टू इस्तांबुल. तो लिहाजा वो लोग जो एनाटोलिया में इस वक्त ये काम कर रहे हैं वो अपने तमाम काम जो है वो इस्तांबुल में आके करें. एंड पुट मुस्तफ़ा कमाल आइडियाज़ इन प्रैक्टिस, और मुस्तफ़ा कमाल के जो आइडियाज़ हैं उनको अमल में लेकर आएँ. तो इस तरह उसने कोशिश की एनाटोलिया के ऊपर दोबारा जो है वो कब्ज़ा करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड महमद्स प्लान फेल. लेकिन महमद का ये मंसूबा जो है वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल जो है उसके इस झांसे में नहीं आया और उसने अपनी बगावत जो है वो जारी रखी. क्वेश्चन नंबर 8 और उसका आंसर. मुस्तफ़ा कमाल सा थ्रू द प्लॉट ऑफ महमद थ्रू द प्लॉट ऑफ महमद फुल स्टॉप. ही डिड नॉट ट्रस्ट हिज प्रोमिसेस. ही stayed in Anatolia and continued his work. मुस्तफ़ा कमाल सा थ्रू, ये सी थ्रू होता है, ये सा उसकी पास्ट फॉर्म होगी. सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है जान लेना मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ के बारे में समझ जाना, ठीक है, हर बात का पता चल जाना. मुस्तफ़ा कमाल सा थ्रू द प्लॉट ऑफ महमद, तो महमद का ये जो मंसूबा था, ये जो चलाकी थी, मुस्तफ़ा कमाल को समझ आ गई. ही डिड नॉट ट्रस्ट हिज प्रोमिसज, और उसने बादशाह के वादों के ऊपर यकीन ना किया. ही स्टेड इन एनाटोलिया, और वो एनाटोलिया ही रहा. एंड कंटिन्यूड हिज वर्क, और उसने अपना काम जो है वो जारी रखा. तो इस तरह जो बादशाह का प्लान जो था वो फेल हो गया, वो एनाटोलिया के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सका. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय द एलाइंस. जो इतिहादी फौजें थीं उन्होंने तुर्की को अमन के लिए कौन सी पेशकश की. तो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और उसका आंसर क्या होगा. इट वॉज सैड दैट All Arab provinces were to be mandated territories the eastern Anatolia Thank you.
Anatolia was to go to Armenia, Izmir to Greeks, Sicilia to France, and Istanbul to Britain, Italy, and France. ले जी, उन्होंने कहा ये बारी बातें मान ले तो हम आपके साथ जंग नहीं लड़ते. It was said that all Arab provinces were to be made mandated territories. Mandated territories वो होती हैं जो जैसे जो United Nations के जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, वो United Nations जिसको भी दे दे. The Eastern Anatolia was to go to Armenia. और उन्होंने कहा कि मशरकी एनाटोलिया आर्मेनिया के पास चला जाएगा, इज़मीर यूनान के पास चला जाएगा, सिसिलिया फ्रांस के पास चला जाएगा, और इस्तांबुल जो है ये बरतानिया, इटली और फ्रांस के कब्ज़े में आ जाएगा. तो ये हमारी टर्म्स हैं, इसके मुताबिक जो है वो आप हमारे साथ अमन कर लें. तो ये अमन करने वाली टर्म्स तो नहीं थी. खैर ऐसे फिर अमन तो नहीं लोगों के अंदर, तो वो फिर ये तो उसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रीक अटैक एंड देयर डिफीट. कहानी बयान करें कि किस तरह यूनानियों ने हमला किया और कैसे जो है उनको शिकस्त हुई. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका आंसर, द ग्रीक्स फॉट विद टर्क्स for 14 days full stop by the 4th of September 1921 the Greeks were at the end of their strength, full stop, on the 12th, they began to retreat slowly. द ग्रीक्स फॉट विद टर्क्स फॉर 14 डेज, 14 दिनों तक लड़े. बाय द 4th ऑफ सेप्टेम्बर 1921 द ग्रीक्स वर एट द एंड ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनकी ताकत अब ख़त्म हो रही थी. ऑन द 12th दे बिगेन टू रिट्रीट स्लोली, और 12 सेप्टेम्बर को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो पीछे हटना शुरू कर दिया. बस जी, आज कल इतना ही काफ़ी है. इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे इंशाल्लाह. अभी आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे आप अपना टेस्ट दें. ठीक है जी, टेस्ट स्टार्ट हो गया जी आपकी स्क्रीन पे. ठीक है जी, अभी आपको टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, तो आपने जो है वो उसको टेस्ट को कंडक्ट करना है.
And the Padshah himself was eager to collaborate with the allies. Collaborate ka matlab kya hota hai ji? The conception of the best interest of the nation was the loyalty to the armistice. Yahan par armistice, the government was practically superseded by order and suggestion from the allies. Supersede ka matlab? Some undefeated remnants of the Ottoman army began to obstruct the allies. Yahan pe remnants ka aapne matlab batana hai ji? जी स्टूडेंट्स, लास्ट चंद सेकंड्स बाकी हैं. अभी तक उम्मीद करता हूँ आप सबने अपना टेस्ट कर लिया होगा. जी शाबाश. जो तलहा हैं उनके 5 out of 5 हैं, दैट्स वेरी गुड. और एक और हमारे स्टूडेंट हैं शराज, उनके भी 5 out of 5 हैं. फरवा के 4 हैं. एक और स्टूडेंट हैं, उनके भी 4 हैं. हाँ जी ईमान, दैट्स वेरी गुड. आपका अच्छा रिज़ल्ट है इंशाल्लाह. چلے جی آج کل اتنا ہی. اپنا خیال رکھے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.